पहुंच गए पुलिस स्टेशन। शिमला में चले नहीं हम तो क्या किया। वेलकम टू माई चैनल। तो आज है 30 अगस्त और हमारे यहाँ पे 29 अगस्त को यहाँ पे कहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो मैं आई हूँ शिमला। यस मैं आई हूँ शिमला और अभी हम जा रहे हैं बाहर। मैं जा रही हूँ भाई के साथ बाहर, देखते हैं हम क्या क्या करेंगे। अभी आज की वीडियो ऐसी होने वाला है जैसे रैंडम ब्लॉग शिमला का। और बहुत खुश हूँ कि मैं शिमला की तरफ से, मुझे आना था, मेरा प्लान बन रहा था लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी, तो मैं फाइनली शिमला पहुंच चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। तो मैं फाइनली यहाँ पे हूँ तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो चलो चलते हैं आपके साथ। तो अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए हैं, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी हमें। शिमला में चले नहीं हम तो क्या किया। और अभी हम समय बहुत नज़दीक है यूनिवर्सिटी के पास। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं ताई जी? शिव अभी तो बैंक आना ही। अच्छा अभी बैंक जा रहे हैं। नहीं बैंक से आप जा रहे हो? वैसे बैंक आ गए। अच्छा हम कहीं जा रहे हैं पर पता नहीं, हम जा रहे हैं देखते हैं क्या होता है। दिखा देंगे तो आपको। दिखा देंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक आप थोड़ा व्यू लीजिए यहाँ का। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं, यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए देखो आप कितना सा डिस्टेंस है खाई से जहाँ पे गाड़ियाँ लगी है। देखो शिमला में पार्किंग बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो अभी हम पहुँच गए पुलिस स्टेशन के पास और ये यहाँ का समय हिल का पुलिस स्टेशन। ये बिजली का पावर हाउस और ये वाला ये बिजली का पावर हाउस है। हम पहुंच गए समय हिल चौक, नीचे वाला जो चौक है वहां पहुंच गए हम। ये जो HP यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं ये उनकी कॉलोनी है, यहाँ पे सारे टीचर्स रहते हैं जो भी पढ़ाते हैं HP यूनिवर्सिटी में। और ये देवदार के पेड़ है हमारे। हम पहुंच गए हैं HP यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जो कि है समर हिल में। तो ये ताई जी बैठे हैं पीछे और ये पूरा ग्राउंड का एरिया है, ये देखो। मुझे बिच्छू पे लग गए, बहुत पेनफुल है। मुझे बिच्छू बहुत जोर से लगी है, इसकी दवाई भी लगाई है, पत्ते इसके साथ में होते हैं, इसकी दवाई होती है, क्या बोलते हैं इसको, बिच्छू पालक। बहुत जोर का लगा। अभी मैं थोड़ी ठीक हो चुकी हूँ बिच्छू बूटी के बाद, उसमें पालक बूटी लगा के। और अभी हम यहाँ पहुँचे, मैं आपको आर्मी के क्वार्टर्स दिखाती हूँ यहाँ से। ये सारी बिल्डिंग्स, ये देखो हम रास्ते में ही, हम जा रहे हैं शिव मंदिर, थोड़ी देर के बाद वो भी आएगा। और मौसम बहुत अच्छा है, देखो आप पहाड़ दिखाते हैं सामने वाली। मतलब तभी हम पहुंच गए मंदिर के पास और मंदिर आ गया, तो दिखाते हैं आपको। हम चलो, ये नेचुरल पानी है और यहाँ पे हम पैर धोएंगे फिर मंदिर में एंट्री करेंगे। और ये बहुत ठंडा है, ठंडा। मंदिर बंद है अभी, अनफॉर्चुनेटली मंदिर बंद है आज, लेकिन हमने बाहर से माथा टेक लिया और थोड़ी देर हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं।
और धूप आ गई है, मतलब यहाँ पे कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी छाया आ जाती है, मतलब यहाँ पे मौसम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यही है शिमला, जहाँ पर मौसम को प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, और अभी धूप है। तभी हम वापस जा रहे हैं, देखो अब फिर से छाया आ गई है। तो पहाड़ वाले पहाड़ पे तो फॉग ही फॉग है, देखो फॉग ही फॉग है। अभी थोड़ा मेरे पैर में थोड़ा आराम हो गया, बिच्छू बुट्टी काट गया। ऐसा लग रहा था पूरे बॉडी में झनझनाहट सी हो गई है। तभी यहाँ पे रेस्ट करने बैठे हैं वो, हाँ कमरे में मिलते रहते वो इसमें जाते अब। अच्छा झूला लगा हुआ है जहाँ बनी बनी पकड़ा का यहाँ रे मलिया ही रहा है बनी खंडा बनी। तेरे को खींच नहीं लेता है बनी? अभी बंदा हुआ है। हेलो बनी। और ये नई नई बनी खंडा तो हमें मिला है डॉग रास्ते में जिसका नाम है बनी। बनी चलते जा रहे हैं वापस, चलते जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है शिमला का चढ़ा तो पड़ेगा। उतराई में तो फिर भी ठीक है, चढ़ाई में सांस फूल जाती है। तो अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और हमारा सांस फूल रहा है। वो देखो मंकी, यहाँ पे मंकियों ने अपना वो क्या बोलते हैं तहलका नहीं खौफ खौफ जमा रखा है, डर डर के जाना पड़ता है। ये बिच्छू बुट्टी भी मुझे उसी वजह से लगी, सामने मंकी था और हम दूसरे रास्ते चले गए तो बिच्छू बुट्टी मेरे को लग गई, मंकियों का खौफ। तो जैसा कि आपने अभी देखा वहाँ से ट्रेन चली गई और हम आ गए रेलवे ट्रैक पे। वो चली गई ट्रेन और ये है पूरा रेलवे ट्रैक। और अभी बारिश लग गई है बहुत तेज़, मैंने बोला था यहाँ का मौसम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। तो अभी बारिश हो रही है बहुत जोर की नहीं अभी शुरू हुई है, लेकिन ये बहुत ज़ोर की लगेगी आप देखना। तो जिसने भी ट्रेन में जाना होगा तो यहाँ पे टिकट काउंटर, आप यहाँ पे टिकट ले सकते हो, ये टिकट काउंटर यहाँ पे आप टिकट ले सकते हो। यहाँ से ट्रेन जाती है और यहाँ पे एक टनल है उससे होकर जाती है 101 टनल, और यहाँ से सीधा ट्रेन जाती है अंदर को। अभी ताई जी ले रहे हैं मिठाई, अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने, सब्जी की दुकान। मोमोज खा के आए, सूप पी के आए, और मेरे वाले सूप में किसी के बाल गिर गए तो मैंने वो फेंक दिया, और वो हमारे लिए ऑर्डर कर रहे थे लेकिन हमने मना किया क्योंकि मैंने ताई जी से शेयर कर दिया, और पहले तो ऐसा हुआ कि बंदर आ गया और मेरे से गिर गया और मेरी ये शर्ट भी ख़राब हो गई। तो वो बोल रहे थे कि हम ऑर्डर कर देते हैं, हमने मना किया क्योंकि मेरा पेट भी भर गया था। यहाँ पे प्राइस मोमोज के और सूप के बड़े रिजनेबल है, और मतलब बड़ा अच्छा प्राइस रखा है इन्होंने, बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ के मोमोज और सूप। तो अभी हम वापस ही जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सो फाइनली हम रूम पहुँच गए, थोड़ा थक चुके हैं, ताई जी अभी पीछे आ रही है धीरे धीरे, और मैं जल्दी जल्दी चल के पहुँच गई रूम में। और बाहर बहुत ज़ोर की बारिश लग गई है, बहुत ज़ोर की,
तो बाहर तो नहीं जा सकते, नहीं तो भीग जाएंगे। और शिमला की बारिश ऐसा होती है कि ठंड बहुत होती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।